आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको ब्लू स्टॉक सर्च करना है और फर्स्ट वाला लिंक पे आपको जाकर डाउनलोड सिंपली डाउनलोड करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप आराम से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड होने के बाद आपको इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद आपको चले जाना है ब्लू स्टॉक के क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद वहाँ पे सर्च करना है पिकासॉप। पिकासॉप सर्च करने के बाद आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसमें लाइव शो में जाकर यहाँ पे आप एशिया कप देख सकते हो, या फिर कोई भी फिल्म आप यहाँ पे देखना चाहो तो फिल्म यहाँ पे देख सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पे फिल्म दिखाया जाता है, तो मैं आपको कुछ फिल्म भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम दिखा दिया मैंने। स्पोर्ट्स भी आप चला के देख सकते हो यहाँ पे लाइव, तो मैं ज़्यादा देर दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि स्ट्राइक मार देगा ना, तो मैं फिल्म भी चला कर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। फिल्म भी काफ़ी बढ़िया चल जाता है इसमें, तो आराम से आप, बस आपका नेट स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, कम रहेगा तो चलेगा नहीं, बफरिंग करेगा ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिल्म भी चलने लगा है।